ये जायजा लिया कि किस तरीके से कितना जो एरिया है भूस्खलन जहां हुई है वहां श्रमिक पहुंची है, और हवाई सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री को विस्तृत जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री इस समय आपको दिख रहे हैं, जो ताजा तस्वीरें आई हैं केरल के वायनाड में जिस तरीके से भूस्खलन आया है 30 जुलाई को, उसमें अब तक 400 से ज्यादा जो है मौतें हो चुकी हैं और कई अभी भी लोग जो है सैकड़ों लोग हैं अभी भी लापता कहे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से भूस्खलन आया है अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने जो भी मृत हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में उनकी सहायता भी दी है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता दी है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ताजा तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं वो हवाई सर्वेक्षण की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के वायनाड पहुंचे और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। तो ये ताजा तस्वीरें केरल के वायनाड से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और आपको बता दें कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का कर रहे हैं वो हवाई सर्वे, और साथ ही साथ एक समीक्षा बैठक भी है जिसकी प्रधानमंत्री नेतृत्व करेंगे आज। और आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया, और इससे पहले प्रधानमंत्री केरल के शरणार्थी कैंप के से भी वहां गए और वहां अपने दौरे में शरणार्थी कैंपियों का दौरा भी वो करेंगे और वहां जो भी प्रभावित लोग हैं इस भूस्खलन से उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे समस्या जानने की कोशिश करेंगे। निशांत राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के वायनाड पहुंच चुके हैं, हवाई सर्वेक्षण के जरिए उन्होंने जो भी राहत कार्य किए जा रहे हैं वो उनका जायजा लिया और इस एरियल सर्वे में प्रधानमंत्री को वहां के अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी भी दी। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड में इस समय मौजूद हैं और उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया उन इलाकों का जहां पर आपदा आई थी और अभी की क्या स्थिति है ये जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हवाई सर्वेक्षण किया है, लगभग ये 8 किलोमीटर का इलाका है जहां पर आपदा से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधिकारियों ने जानकारी दी, साथ ही ये भी जानकारी दी कि राहत और बचाव कार्य में कितनी तेजी लाई गई है और कितने दिनों तक ये कार्य चलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां से निकलकर तमाम अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। जी निशांत, इसके साथ ही केरल के मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद का आह्वान किया, आर्थिक मदद का आह्वान किया, उस बारे में ज्यादा जानकारी दीजिए। देखिए, केंद्र सरकार लगातार जब से ये आपदा आई है वायनाड में केरल के सरकार के टच में है और केंद्र सरकार इस मामले को लेकर काफी संवेदनशील है। इसी के चलते सेना से लेकर केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां यहां पर कार्य कर रही हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द इस पूरे जो वाक्या है इसमें राहत पहुंचाई जाए, जो आपदा ग्रसित लोग हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाए। इसके अलावा आर्थिक तौर पर उनको किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, किस तरीके से उनका पुनर्वास किया जाता है, इन तमाम चीजों को लेकर केंद्र सरकार लगातार चिंता कर रही है और केरल की सरकार से बातचीत कर रही है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री अब खुद मौके पर पहुंचे हैं, भविष्य में किस तरीके से पुनर्वास की योजना बने, हो सकता है कि आज इस पर केरल के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चर्चा हो। साथ ही निशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत शिविर में जाएंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस समय राहत शिविर में कितने लोग हैं और प्रधानमंत्री जब राहत शिविर पहुंचेंगे तो लोगों को क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत शिविर में आएंगे और यहाँ के जो वायनाड के लोग हैं, खासकर जो आपदा प्रभावित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको काफी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उन उम्मीदों पर केंद्र सरकार लगातार खरी भी उतर रही है। और केंद्र सरकार जिस तरीके से आपदा आने के बाद से केरल सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है और केरल सरकार को मदद पहुंचा रही है, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा पीड़ित लोगों से मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनसे उनका कितना फायदा हो रहा है और किस तरीके से वो आगे इस काम को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप निशांत, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का भी नेतृत्व करने वाले, कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से विषय हैं जो इस समीक्षा बैठक में चर्चा का विषय बन सकते हैं?
देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक में सबसे पहले राहत और बचाव कार्य की क्या स्थिति है, जो लोग हताहत हुए हैं उनकी संख्या क्या है और कितनी उम्मीद है, इसके अलावा जो लोग घायल हुए हैं उनका किस तरीके से इलाज किया जा रहा है, इसके अलावा लोगों का जो आर्थिक और तमाम तरह के नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या योजना ला सकती है, इसके साथ साथ सरकार लोगों के पुनर्वास के लिए किस तरीके से काम कर सकती है, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में चर्चा होगी। जी,